Manish Dada is having this session at Seminar Hall. Whoever wants to visit, can attend the session and go to the Seminar Hall. Thank you. तो मैं जब बिजनेस फोर्थ जनरेशन से जब मैंने अपने फादर और ग्रैंडफादर से सीखना शुरू किया कि क्या वो करते हैं, तो उन्होंने उसको एक सिंप्लीफाई तरीके से मुझे समझाया कि बिजनेस को सिग्नल्स में देखना चाहिए, रेड है, ग्रीन है या येलो है। हम जब भी बाइक सीखते हैं, कार सीखते हैं, तो सबसे पहले ट्रेनिंग स्कूल में ये सिखाया जाता है फॉलो द सिग्नल। और जब हम अपना बिजनेस करते हैं, जब अपनी लाइफ को ड्राइव करते हैं, तो हम ये सिग्नल्स हम इग्नोर करते हैं, हम अपने सेंटीमेंट्स पे चलते हैं, हम अपने इमोशंस पे चलते हैं। So that is where we might lose the way. हम जो एक्सप्रेस हाईवे के बहुत नज़दीक पहुँच के उस पर पाँव रखने वाले होते हैं और हम उस सिग्नल को मिस करते हैं और हम या तो क्रैश डाउन कर जाते हैं या तो वी डोंट गो अहेड, वी चेंज रोड्स एंड वी गो समवेयर एल्स। तो लेट मी स्टार्ट दिस, आई ट्राई टू मेक इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल सेशन विद अ संस्कृत श्लोक विच आई फॉलो वेरी वेरी रिलीजियसली। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखिता भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यह श्लोक बताता है कि ऑलवेज देने वाला याद रहता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सबके सुख में हमारा सुख है, सबके संतोष में हमारा संतोष है, सबके ग्रोथ में हमारा ग्रोथ है। अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट देना होगा, और सक्सेस चाहिए तो इंश्योर करना होगा कि हमारा इकोसिस्टम सक्सेसफुल है। स्टैंड अलोन सक्सेस सस्टेनेबल नहीं है। इट कैन बी एन एक्सीडेंट, इट कैन बी अ स्ट्रोक ऑफ लक, लेकिन वो हमेशा टिकने वाला नहीं है। आप अकेले किसी भी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा देर तक सक्सेसफुल नहीं रह सकते हैं, अनलेस कि आप अंबानी या अडानी हैं। पर हम सब वो इमीडिएट नहीं है। आगे चल के बनने के जो रास्ते हैं उस पर शायद हम चल पड़े और वो एक्सप्रेस हाईवे को पकड़ लें, उसके बाद ही अलग बात है। लेकिन इकोसिस्टम इज सो इम्पॉर्टेंट कि अगर सक्सेस चाहिए तो दूसरों का सक्सेस एंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। अगर सुख चाहिए तो आजू बाजू के लोगों को सुखी रखना बहुत ज़रूरी है। आज हम इंडिया में क्या देख रहे हैं? आई वॉज रीडिंग द IMF रिपोर्ट डे बिफोर यस्टरडे। गीता गोपीनाथ ने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लिखा विच इज एंटी गवर्नमेंट, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक आईना है। वो एक आईना है हमारे लिए कि क्या चल रहा है हमारे आगे और हम क्या देख रहे हैं। द रिपोर्ट सेज दैट IMF इज मोस्ट लाइकली टू रिड्यूस द ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम 6.1% टू 5% और बिलो। ऐसा क्या हो रहा है? सिमिलरली मैंने और रिपोर्ट पढ़ना शुरू किया तो RBI हैज ऑलरेडी गिवन सिमिलर सिग्नल्स। 6.1 का जो ग्रोथ रेट था उन्होंने 4.9 तक रिड्यूस कर लिया है। उसके बाद इंटरनेशनल जाएंगे तो ग्लोबल रेटिंग कंपनी मूडीज ने इंडिया का जो ग्रोथ रिपोर्ट है वो बहुत हद तक डाउनग्रेड करके 4.9 कर दिया है। एंड जापानीज कंपनी नोमोरा विच वॉज वेरी अपबीट ऑन इंडिया इन 2015 2017 अप टू 2018 हैज ऑल्सो डाउनग्रेडेड इंडिया रेटिंग। तो ये जो सबसे डेवलपिंग इकोनॉमी जो हम, मैं तो स्कूल से पढ़ रहा हूँ कि इंडिया इज एन डेवलपिंग कंट्री, 30 साल हो गए डेवलपिंग के, लेकिन 2 साल से हम सोच रहे हैं द फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और आज एक रेटिंग एजेंसी, एक कंपनी, एक IMF, RBI, कोई तो हमें बताए कि हाँ यू आर स्टिल ग्रोइंग, वी आर नॉट ग्रोइंग इन दैट सेंस दैट वी ऑट टू ग्रो। तो ऐसा क्या हो रहा है? मंदी तो 2008 में भी आई थी। द वर्ल्ड फेस ह्यूज रिसेशन इन 2008। अमेरिका तो शुरू होकर पूरे वर्ल्ड में गई, लेकिन इंडिया वॉज नॉट सो बैडली हिट। तो ऐसा क्या था 2008 में हमारे पास जो 2019 में नहीं है? तो क्या हमने ग्रो नहीं किया वहां से? क्या हमने सीखा नहीं वहां से? द इकोनॉमिस्ट से दैट फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडिया में कम हो गया है या हो रहा है, और इंडिया की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज क्लियर नहीं है। ये एक मैक्रो रिपोर्ट है, ये इकोनॉमिस्ट का रिपोर्ट है। लेकिन फ्रेंड्स, ये 2008 में भी नहीं था हमारे पास। स्टिल वी सर्वाइव द रिसेशन ऑफ 2008, और 2019 का रिसेशन शुरुआत ही इंडिया जैसे कुछ कंट्रीज से हुआ है। इंडो ग्रोथ पोस्ट US-China ट्रेड वॉर शुड हैव बीन
रियली वेल डिफाइंड, क्योंकि हमारे एक साइड पे बायर है, एक साइड पे सप्लायर है. यूएस इज अवर बायर, चाइना इज अवर सप्लायर. अगर वो दोनों लड़के हैं तो सबसे ज्यादा फायदा इंडिया को होना चाहिए था, चाहिए था. $5 बिलियन का इंडिया चाइना ट्रेड डेफिसिट है, वो कम होना चाहिए था. लेकिन कोई एक फायदा हमें टैंजेंट नहीं दिख रहा है, टैंजिबल बेनिफिट नहीं दिख रहा है कि एक साल से ट्रेड वॉर चल रहा है पर इंडिया को कोई बेनिफिट हो. तो ये स्टोरीज जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने अपने बिजनेस में भी फेस कर रहे हैं, उसका रीजन हम पोस्ट मॉडर्न के रूप में डिमोनिटाइजेशन, जीएसटी वगैरह को देते हैं. लेकिन ऑर्गेनाइज हुए बिना आपके बिजनेस का, हमारे बिजनेस का, किसी के भी बिजनेस का कोई फ्यूचर नहीं है. कैश वाला बिजनेस बहुत लंबा कभी भी चलने वाला नहीं था. टाइमिंग हो सकता है सही हो या गलत हो, लेकिन क्या हमने वो सिग्नल देखा? जब 8 नवंबर 2017 को डिमोनेटाइजेशन डिक्लेयर हुआ था, वहां पे कैश की चिंता थी लेकिन बिजनेस की चिंता उस तरह की. जब जीएसटी आने वाला था, 8 महीने से हमें पता था कि 17 जुलाई 2018 को जीएसटी आने वाला है, तो है वी प्रिपेयर्ड फॉर बिजनेस अकॉर्डिंग. और उसके बाद भी आर वी स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर थिंग्स टू कम. आगे क्या आ रहा है, क्या दिख रहा है और क्या हो रहा है, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट कैन गो राइट फॉर इंडिया. मुझे जो दिखता है कॉटन गुरु की स्टडी है एज एन एनालिस्ट, इज दो चीजें हम लैक करें जो 2008 में हमारे पास थी और आज नहीं है. वन इज हैवी रूरल डिस्ट्रेस, ग्रामीण संकट हमारे सामने ऐसे खड़ा है, वी आर इग्नोरिंग इट. एंड व्हाट कैन रूरल डिस्ट्रेस लीड टू, यू सी इन द प्रेजेंटेशन, हमारे सबके बिजनेस को वो कितना बुरी तरह हिट कर सकता है. ग्रामीण संकट ये हम सोच भी नहीं सकते. दूसरा है लघु उद्योग, SME इंडस्ट्री, स्पेशली द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर नॉट डूइंग वेल. करोड़ रुपया डालने के बाद 1 लाख रुपए की इनकम की सिक्योरिटी कहाँ है? सबसे पहले तो पूरे पैसे रिकवर हो जाएंगे, ये सिक्योरिटी भी कहाँ? सो दीज टू आर सिग्नल दैट इंडिया फंडामेंटली, जिसपे इंडिया बेस्ड है, एक ग्रामीण इकोनॉमी और एक लघु उद्योग इकोनॉमी, वी आर शेकन देयर. यहां पर अगर हम काम नहीं करते हैं तो ये आगे भी हम शेकन ही रहेंगे. आप कितना भी वर्टिकल ग्रोथ कर लो, अगर आपका हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ठीक नहीं है तो इमारत बहुत ऊंची नहीं बन सकती. 5 ट्रिलियन इकोनॉमी छोड़िए, 3 ट्रिलियन में रिटेन करना मुश्किल हो जाएगा अगर ये दो को आपने इग्नोर किया. तो इसमें से हमें क्या अपॉर्चुनिटी है और इसमें हमारे लिए कहां पैसे हैं, ये हम देखेंगे इस प्रेजेंटेशन. वाइब्रेंट कच्छ, व्हाट अ नेम, व्हाट अ कंसेप्ट, व्हाट अ थॉट. वाइब्रेंट गुजरात जब से शुरू हुआ, गुजरात की शक्ल बदल गई है. एंड आई एम श्योर गांधीधाम चैप्टर ने जो वाइब्रेंट कच्छ शुरू किया है, उससे कच्छ की शक्ल 100% बदल सकती है. बिकॉज नेम में, आपकी एक्टिविटी में और आपके जुस्से में जो पावर है वो मुझे दिख रहा है जब से मैं कल से यहाँ हूँ. थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए ब्यूटिफुल इवेंट एंड मेकिंग मी पार्ट ऑफ इट. खेती से समृद्धि, एनकैशिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर. बहुत सारा एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, विच इज द ओल्डेस्ट बिजनेस और एक्टिविटी इन द वर्ल्ड? एग्रीकल्चर, राइट. कल हमने देखा ओला उबर सिस्टम, एक भी कार नहीं है, एक भी ओन्ड टैक्सी नहीं है, फिर भी वर्ल्ड के सबसे बड़े टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर है. एयरबीएनबी, एक भी होटल रूम खुद का नहीं है, फिर भी वर्ल्ड के सबसे बड़े सर्विस प्रोवाइडर है. टाइम्स आर चेंजिंग फास्ट. करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री लगा लीजिए, आपके लिए बिजनेस की गारंटी कहाँ है? आपके लिए इनकम की गारंटी कहाँ है? 10 साल बाद क्या पॉलिसी आएगी, क्या नेचर प्ले करेगा और आप कहाँ पहुंच सकते हैं या कहाँ हो सकते हैं, इसकी गारंटी कहाँ है? आज बच्चों का एजुकेशन 50 लाख, 70 लाख, 100 लाख रुपीज से कम ओवरसीज का एजुकेशन नहीं है, उसके बाद कैरियर की गारंटी कहाँ है? तो कहाँ हो सकती है, वेयर विट कैन लीड टू अवर रूट्स, हम अपने रूट्स के पास वापस जा सकते हैं, किस तरह, ये हम देखेंगे आगे. नेक्स्ट, इंडिया पावर लाइज इन विलेजेस. 2005 में जिस दिन महात्मा गांधी ने इंडिया में पांव रखा, उसके एक दिन बाद कांग्रेस कोर कमेटी की मीटिंग थी, उन्होंने गांधी जी को बोला कि आप अपने स्पीच में ये बोलिए कि कौन से शहर से आप अपना कैंपेन शुरू करना चाहेंगे. गांधी जी बोले ओके ठीक है. बहुत सारे लोगों ने समझाया कि आप शहर अभी इसे डिसाइड कर लीजिए, हमें प्लान करना होगा, इतना मोड ऑफ कम्युनिकेशन श्योर नहीं है. इसे ओके, लेकिन कुछ लोगों से गांधी जी ने बात की और कुछ जगह पे उन्होंने
घूम के देखा तो नेक्स्ट डे जब गांधी जी की स्पीच थी तो उसका फर्स्ट स्पीच इन इंडिया वॉज पावर लाइज इन विलेजेस. अगर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगा तो गांव से मिलेगा, शहर में कितना भी घूम लो आपको नहीं मिलेगा. तो यर ऑल्सो जब इंडिया को ग्रोथ के चैलेंजेस है और इंडिया का इतने साल का जो ग्रोथ आया है वो विलेजेस से है, तो अभी भी इकोनॉमिकल टर्न अराउंड जहां से मिलेगा वो विलेजेस से मिलेगा. सी 2011 सेंसस 68% इंडियंस लिव इन विलेजेस. कंज्यूमर कहाँ है, कंजम्पशन कहाँ है, विलेजेस. आउट ऑफ 137 करोड़ पॉपुलेशन 83 करोड़ कंज्यूमर्स लिव इन विलेजेस. पीपल मत सोचिए, आप बिजनेसमैन हैं, कंज्यूमर लिव इन विलेजेस. लैंड फॉर एग्रीकल्चर 160 मिलियन हेक्टर्स और 40 करोड़ एकर्स. इतना सारा लैंड पड़ा है अपने यहाँ, इतनी बड़ी एसेट है किसी कंट्री में, इतना लैंड तो बताइए जहाँ 4 डिफाइंड सीजन्स हो और सुलझा हुआ किसान हो और इतना लैंड पड़ा हो. 12 करोड़ फार्मर्स फीड 137 करोड़ इंडियंस. एक फार्मर एवरेज 10-12 इंडियन को फीड करता है. 2000 फार्मर्स लीव एग्रीकल्चर एवरी डे, गवर्नमेंट का सेंसस बताता है एवरी डे. कहाँ हमें फूड सिक्योरिटी, प्रोडक्ट सिक्योरिटी अश्योर्ड है आगे चल के, तो ये गैप है. जो पेन है वही गेन है. नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडिया जीडीपी. इंडिया जीडीपी इन 2010 वाज 10.3, आज 4.5 ही चैलेंजेबल है. तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज 50% एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज 14.5% है. लेकिन कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट तब 60% था, आज भी 42% है. कितना ह्यूज एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर जनरेट करता है. एंड वी मस्ट इंक्रीज द शेयर ऑफ फार्म सेक्टर टू द कंट्री जीडीपी टू एटलीस्ट 30. अपने कृषि मंत्री ने भी कहा है तोमर जी ने कि 50% तक हमें इसके ले जाना है, और बहुत अच्छा है. लेकिन 50-14.5 आए हैं, 14.5-20 भी पहुंचना चैलेंज होगा अगर कॉर्पोरेट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता. तो कैन एनीवन गेस द एवरेज एनुअल इनकम ऑफ अ फार्मर. एक मंथली इनकम का गेस कर सकते हैं कि फार्मर कितना कमाता होगा. एक एवरेज सर्विस वाला 20,000 रुपया कमाता है, एक एवरेज बैंकर 30,000-35,000 रुपया कमाता है, जो जिसके 10-20 एकड़ लैंड होगी ऐसा फार्मर पर मंथ कितना कमाता है जी? 12,000-13,000, वेरी क्लोज. देखिए नेक्स्ट, एवरेज इनकम फार्मर अर्न्स 8,931 रुपीज पर मंथ फॉर अ फैमिली ऑफ 4 पीपल. चार लोगों की फैमिली में 9,000 रुपए की इनकम है. खर्चे की तो बात ही मत करें, पर उसके पास क्या है जो अपने पास नहीं है, या अपने पास क्या है जो हम यूज नहीं कर रहे हैं, वो है जमीन, बिगेस्ट एसेट इन द वर्ल्ड. आप गोल्ड डेप्रिशिएट होता है, आपकी प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट, लेकिन आप गांव में जाइए कौन सी जमीन डेप्रिशिएट हुई है जो ओरिजिनल गांव में खरीदी गई. नॉट पॉसिबल अनलेस कि आपका उसको प्रॉपर्टी डेवलप करने का प्लान हो. लेकिन कोई फार्म कभी फेल नहीं होता. नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स गवर्नमेंट से 30 बिलियन, बट एक्चुअली इट इज 22 बिलियन USD, द इम्पोर्ट इज 21 बिलियन. सो वी आर एक्सपोर्ट न्यूट्रल कंट्री. यहाँ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. ये 22 से 45 तक ग्रोथ करना 3 ईयर्स में इंडिया के लिए जरा भी मुश्किल नहीं है. और आजकल जो कच्छ में हो रहा है, फार्म टू फॉरेन का रोड मैप कच्छ से नहीं बना अगर 5 साल में, तो मैं सरप्राइज हो जाऊंगा. एंड वी शुड ऑल स्ट्राइव हार्ड कि इंडिया शुड बी द लीडर इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स. ये बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. द वर्ल्ड इज ट्राइविंग टू गेट गुड फूड प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स, सस्टेनेबल फूड प्रोडक्ट्स. बहुत बड़ी मार्केट है, 300-500% का इसमें मार्जिन है अगर कोई सही आदमी इसमें आता है तो. इसमें रिलायंस, गोदरेज सब इस लाइन में आ रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर फार्मर फ्रेंड्स. फार्मर कल बहुत थे, आज शायद कम है. आर यू अश्योर्ड ऑफ नॉर्मल मानसून एंड वेदर इन द फ्यूचर? ऑब्वियस आंसर इज नो. इज इट सेल एंड प्रॉफिट सिक्योर्ड? ऑब्वियसली नो. इसीलिए तो सिर्फ 9,000 रुपए की इनकम है. तो ये फार्मर के जो चैलेंजेस थे, ये अगर इंडस्ट्री ज्वाइन हो जाती है एज एन इन्वेस्टमेंट पार्टनर तो बहुत हद तक दूर हो सकता है. यू गेट एक्सेस टू द बेस्ट प्रोडक्ट्स व्हिच यू कैन एक्सपोर्ट. वी विल फैसिलिटेट दैट. नेक्स्ट, स्टेट ऑफ द फार्मर्स टुडे. ऑब्वियसली नेचर और बायस के बीच में ये ग्रोइंग डाउन एंड स्पीड बिटवीन नेचर, एपीएमसी काम नहीं करिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज
ग्राउंड लेवल तक नहीं बात करे। एक एक पॉलिसी वालों से मेरी बात हुई हार्दिक जी से, वो भी बोले कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसीज गवर्नमेंट के पास है, एग्रो पॉलिसीज इतनी डायनेमिक है कि इंडियन एग्रो पॉलिसीज जैसी पॉलिसीज वर्ल्ड में नहीं है, लेकिन फार्मर की कैपेसिटी नहीं है। एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी यहाँ बनाते हैं तो 100 करोड़ रुपीज के एक्सपोर्ट तक कोई टैक्स नहीं है। वर्ल्ड में एक बिजनेस बताइए जो टैक्स